उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 की नई तारीख अब सामने आ गई है। नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है और अब यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई में होंगी, जो पहले 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थी। अब ये परीक्षाएं 8 मई से 28 मई तक इंटरमीडिएट की आयोजित कराई जाएंगी। नई डेट शीट भी जारी कर दी गई है। प्रदेश में 15 अप्रैल से होने वाले पंचायत चुनाव के कारण बोर्ड एग्जाम स्थगित किए गए हैं। नई डेट शीट के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं के एग्जाम 8 मई 2021 से शुरू होंगे। हाई स्कूल की परीक्षाएं 25 मई 2021 तक चलेंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 28 मई 2021 को खत्म होंगी। यूपी बोर्ड ने नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है और इस बार यूपी बोर्ड 10वीं में कुल 29,94,312 और 12वीं में 26,09,501 विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं। तो नई तारीखों का ऐलान हो गया है पंचायत चुनाव के चलते। ये नई तारीख थोड़ा सा आगे और बढ़ी है। जो परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होनी थी, अब ये परीक्षाएं मई से शुरू होने जा रही हैं। हमारे खास सहयोगी जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। लखनऊ से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से नवीन पांडे और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान। एक एक करके सबसे बात करेंगे। सबसे पहले गुफरान, आपसे शुरुआत करते हैं। ये नई तारीखों का ऐलान आज हो गया है, कुछ दिन और आगे बढ़ाए गए हैं, क्या असर इसका देखने को मिलेगा? हालांकि छात्रों के लिहाज से तो अच्छी खबर है, उन्हें तैयारी का और समय मिला है आज। बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके से जो यूपी बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इस बात के असमंजस जो है, जब से पंचायत चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगाए जा रहे थे कयास कि कहीं ना कहीं से यूपी बोर्ड की जो तारीखें हैं उसमें फेर बदल हो सकता है। अब बाकायदा यूपी बोर्ड की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है ऑफिशियल तौर पर कि ये परीक्षाएं जो 24 अप्रैल से प्रस्तावित थी ये अब 8 मई से शुरू होंगी। इंटरमीडिएट और हाईस्कूल दोनों परीक्षाएं जब 8 मई से शुरू होकर के 28 मई तक ये खत्म हो रही है। 15 मई को जो परीक्षाएं हैं, 25 मई को हाईस्कूल की खत्म होनी है और 28 मई को इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। लगभग 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी जो हैं वो इस पूरी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पूरे अगर ओवरऑल बात करें तो पिछला एक ये पूरा जो पिछला साल था 2020 और 21 का जो अभी का जो समय है ये पूरा एक तरीके से प्रभावित हुआ है कोरोना के कारण। लंबे समय से जो परीक्षार्थी थे वो रेगुलर क्लास नहीं कर सके, तमाम दुश्वारियां रही, घरों पर एक तरीके से उन्होंने क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऐसे में तमाम दिक्कतों के बावजूद यूपी बोर्ड ने परीक्षा की जो तारीखें थी वो तैयारियां पूरी है छात्रों की भी। अब और मौका मिला है, लखनऊ की तरफ रुख करेंगे। संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, ये नया फैसला कितना असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर 10वीं और 12वीं के लिहाज से ये देखा जाए, परीक्षार्थियों के लिहाज से, तो एक बड़ी खबर है कि परीक्षा कार्यक्रम में जो है बदलाव किया गया है और अब परीक्षाएं जो है मई में शुरू होंगी। सबसे बड़ी बात है कि जगह ये माना जा रहा है, जिस तरीके से जानकारी मिली है, कि चूँकि पंचायत चुनाव है और उसके साथ ही जो कॉलेजेस हैं, जो सेंटर्स जिनको बनाया जाना है, वहाँ पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और उसके साथ ही शिक्षकों की जो ड्यूटी चुनाव में लगाई जानी है इसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। उसके साथ ही आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि एक सबसे बड़ा बोर्ड है और एक बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में, अगर बात की जाए तो भारी संख्या में परीक्षार्थी हाईस्कूल और इंटर में की परीक्षाओं में बैठते हैं। ऐसे में लगातार विभाग की तरफ से जो बात कही जा रही है कि नकल विहीन परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी हैं और कोरोना के मद्देनजर भी इस बार तैयारियां की गई थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब परीक्षार्थियों की जिस तरीके से शिकायत थी कि इस बार ऑनलाइन पढ़ाई के चलते कहीं ना कहीं कम समय मिला है, तो थोड़ी राहत बड़ी खबर कुछ परीक्षार्थियों के लिए हो सकती है कि उनको अपने सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करने के लिए एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भरा टाइम मिला है। अब ऐसे में लगातार ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में नकलविहीन परीक्षा का जिस तरीके से बिल्कुल जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सरकार पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। नवीन पांडे की तरफ रुख करते हैं। नवीन, अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि वाराणसी से सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, परीक्षा पे चर्चा की है, छात्रों और पेरेंट्स और टीचर्स को संबोधित किया है, उनसे बात की है और ये बताया कि परीक्षा में तनाव नहीं लेना है, कैसे हंसते हंसते ये परीक्षा देनी है। ये जीवन की परीक्षा नहीं, एक छोटा सा पड़ाव होता है और अब उसी परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है।
जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अभिभावक और जो छात्रों को मंत्र दिया है उसमें जो परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है, जो तारीख बढ़ी है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो मंत्र है वो छात्र अब ग्रहण करेंगे, उनको समय मिलेगा प्रधानमंत्री का जो छात्रों को मंत्र दिया है उस मंत्र पे बात करने का, ग्रहण करने का, उस मंत्र को सीखने का, उस मंत्र को प्रयोग करने का छात्रों को अब मौका मिला है। परीक्षा की डेट आ गई है, सस्पेंस लगातार बरकरार था, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा की डेट, छात्र भी ये चाहते थे कि परीक्षा की डेट बढ़े, क्योंकि जिस तरह बिल्कुल जो छात्र चाहते थे वैसा ही हो गया है नवीन, और उनको और मौका मिलेगा।